हेलो दोस्तों, वेलकम टू अभिपीडिया पावर्ड बाय अभिमन्यु आईएएस। दोस्तों, हर साल लाखों बच्चे यूपीएससी सिविल सर्विसेज का और स्टेट सिविल सर्विसेज का एग्जाम देते हैं। तो यहाँ पर स्टेट सिविल सर्विसेज का एग्जाम देने वाले एस्पिरेंट्स की अगर मैं बात करूँ तो बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट्स हैं जो दूसरे राज्यों का भी स्टेट सिविल सर्विसेज का एग्जाम देते हैं, बिकॉज एज पर द पब्लिक सर्विस कमीशन ऑफ द स्टेट्स, हर राज्य का पीसीएस किसी दूसरे राज्य का एस्पिरेंट्स भी दे सकते हैं। यानी कि भारत के किसी भी राज्य का कोई भी एस्पिरेंट्स किसी दूसरे राज्य के स्टेट सिविल सर्विसेज के एग्जाम के लिए एलिजिबल होता है, वो पेपर दे सकता है। देखिए, सिलेबस सेम ही रहता है, फर्क सिर्फ आता है उस स्टेट की जीके का। जो बच्चा किसी दूसरे राज्य का स्टेट सिविल सर्विसेज का एग्जाम जाके देता है तो उसको वहां पर पढ़नी होती है उस स्टेट की जीके। तो हर स्टेट की जीके कवर अप करवाने के लिए हम आपके साथ अभिमन्यु, यानी कि अभिपीडिया, विच इज पावर्ड बाय अभिमन्यु आईएएस चंडीगढ़, जो कि पिछले 22 सालों से इस फील्ड में काम कर रहा है। यूपीएससी सिविल सर्विसेज की बात करूं या स्टेट सिविल सर्विसेज की बात करूं, 1500 से ज्यादा सिलेक्शंस दे चुके हैं, टॉप रैंकर्स प्रोड्यूस किए हैं अभिमन्यु आईएएस ने। तो अभिपीडिया आपके लिए लेके आया है एक कंबाइंड स्टेट सिविल सर्विसेज प्रिपरेशन कोर्स, कंबाइंड स्टेट सिविल सर्विसेज एग्जाम प्रिपरेशन कोर्स। दिस कोर्स विल हेल्प यू टू क्रैक द PCS, यानी कि सिविल सर्विस, स्टेट सिविल सर्विसेज एग्जाम ऑफ एनी स्टेट, वेदर यू आर गोइंग फॉर द एनी स्टेट। हम इसके अंदर आपको हर स्टेट का जो जीके होता है वो कवर करवाएंगे। जब भी स्टेट का नोटिफिकेशन आएगा, हम आपको स्टेट का जीके का पार्ट कवर अप करवाएंगे, ताकि आपको किसी भी स्टेट का जो सिविल सर्विसेज का एग्जाम है उसको क्रैक करने में कोई प्रॉब्लम ना हो। तो कोर्स के बारे में और हम जानेंगे, अंत में बात करेंगे कोर्स के बारे में, और बताऊंगा आपको, ठीक है, इसके फीचर्स कैसे आपको चेकअप करना है, कोर्सेज को डेमो कैसे देख सकते हैं, इसके बारे में आपको अंत में बताऊंगा। तो आज हम एक स्टेट के पीसीएस की बात करेंगे, एक स्टेट के सिविल सर्विसेज एग्जाम की बात हम करने वाले हैं, क्योंकि मैं आपको जानकारी देता रहता हूं, क्योंकि हर स्टेट में कुछ ना कुछ डिफरेंस आता है। हर स्टेट का जो सिविल सर्विसेज का एग्जाम है उसमें कुछ ना कुछ चेंजेस हैं। किसी में नंबर ऑफ मेंस में पेपर कम है, किसी में ज्यादा है, किसी में सीसेट नहीं होता, तो हर किसी में डिफरेंट है। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा उत्तराखंड सिविल सर्विसेज का एग्जाम, जो कि उत्तराखंड पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा ऑर्गेनाइज करवाया जाता है, कंडक्ट करवाया जाता है, ठीक है। तो चलिए क्लास की तरफ बढ़ते हैं, डिस्कस करेंगे उत्तराखंड सिविल सर्विसेज का एग्जाम। तो ये जो पेपर है उत्तराखंड सिविल सर्विसेज का, ये उत्तराखंड पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा ऑब्जर्व ऑर्गेनाइज करवाया जाता है। उत्तराखंड पब्लिक सर्विस कमीशन की अगर मैं बात करूं, देखिए, उत्तराखंड जो राज्य है ये उत्तर प्रदेश रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट ऑफ 2000 के चलते हुए 9 नवंबर 2000 को बन के आता है। उसके बाद इस स्टेट में सिविल सर्विसेज अधिकारियों की नियुक्ति करने के लिए यहां पर एज पर द आर्टिकल 315 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बनाया जाता है पब्लिक सर्विस कमीशन, दैट इज इन द 2001। तो उत्तराखंड पब्लिक सर्विस कमीशन कब बन के आता है? सन 2001 में, 15 मई 2001 को ये बन के आता है। अब बात करेंगे पेपर की। पेपर के अंदर अगर मैं बात करूं सबसे पहले कि क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया क्या रहता है, देखिए जनरली आपको एक ग्रेजुएशन डिग्री चाहिए होती है किसी भी फील्ड में हो, बट कुछ पर्टिकुलर फील्ड की वैकेंसीज भी यहां पर कभी कभी निकाल दिया जाता है उत्तराखंड पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा, तो उसके लिए डिफरेंट डिफरेंट स्पेसिफिक क्वालिफिकेशन हो सकता है, तो उसका आपको ध्यान में दे लेना है, रख लेना है। बात करें नंबर ऑफ वैकेंसीज की, तो कितनी नंबर ऑफ वैकेंसी रिसेंटली आई थी, तो 2016 में यहां पे 138 वैकेंसी सामने आई थी। उसके बाद इसका प्रोसेस थोड़ा सा लंबा चला गया और अभी रिसेंटली 2021 में इसका नोटिफिकेशन आने के बहुत सारे चांसेस हैं। अभी इसका नोटिफिकेशन, क्योंकि काफी टाइम से नोटिफिकेशन नहीं आया है, तो उत्तराखंड पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा बहुत जल्दी उत्तराखंड पीसीएस का, उत्तराखंड सिविल सर्विसेज का पेपर निकाला जाएगा, बहुत जल्दी ये पेपर निकाला जाएगा। तो जो स्टूडेंट इसकी सोच के बैठे हैं कि हम इसकी प्रिपरेशन करेंगे, हम एग्जाम देंगे, उनको अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर लेनी चाहिए, क्योंकि नोटिफिकेशन कभी भी आ सकता है। एज लिमिट कितनी रहती है, कितनी एज तक के बच्चे इस पेपर को दे सकते हैं? 21 से लेके 42 ईयर्स। देखिए, ये प्रीवियस डाटा के अकॉर्डिंगली है, अगर कुछ चेंज होता है, अगर जब चेंज होगा तो वो तभी पता लगेगा जब नोटिफिकेशन आएगा। तो बोर्ड द्वारा प्रीवियस में यही डाटा निर्धारित किया गया था, तो उसी हिसाब से, उसी पैटर्न के हिसाब से मैं आपको बता रहा हूं। अब बात करें सिलेक्शन प्रोसेस की, तो सिलेक्शन प्रोसेस में तीन पेपर रहते हैं, प्रीलिम्स का एग्जाम, मेंस का एग्जाम और पर्सनालिटी टेस्ट, जिसको हम इंटरव्यू भी बोलते हैं। प्रीलिम्स के एग्जाम की अगर मैं बात करूं तो इसमें होते हैं दो पेपर, एक जनरल स्टडीज का, एक जनरल एप्टीट्यूड का, जनरल स्टडीज और जनरल एप्टीट्यूड। जनरल स्टडीज के पेपर में 150 क्वेश्चन आते हैं, 150 क्वेश्चन यहाँ पर जनरल स्टडीज के पेपर में पूछे जाते हैं।
एंड हर क्वेश्चन एक नंबर का होता है, तो 150 नंबर का पेपर होता है जनरल स्टडीज का। उसके बाद पेपर टू होता है जनरल एप्टीट्यूड का, जैसे यूपीएससी में सीसेट होता है। तो ये जो जनरल एप्टीट्यूड का पेपर है इसमें 100 क्वेश्चन आते हैं, बट हर क्वेश्चन 1.5 नंबर का होता है, 1.5 मार्क्स का होता है, तो 150 नंबर का ये रहता है। टोटल 300 नंबर का आपका रहता है प्रीलिम्स, 300 नंबर का आपका रहता है प्रीलिम्स। बट प्रीलिम्स के मार्क्स जो है, प्रीलिम्स आपको सिर्फ मेंस तक लेके जाएगा, प्रीलिम्स के मार्क्स फाइनल सिलेक्शन में काउंट नहीं होते, प्रीलिम्स आपको सिर्फ मेंस तक लेके जाएगा। और इसका जो ड्यूरेशन रहता है, दो दो घंटे के दोनों पेपर रहेंगे, दोनों पेपर दो दो घंटे के आपके रहने वाले हैं, चाहे जनरल स्टडीज का पेपर हो चाहे जनरल एप्टीट्यूड का पेपर हो, दो दो घंटे दोनों पेपर में आपको मिलने वाले हैं। तो प्रीलिम्स अगर आप क्रैक कर लेते हो, प्रीलिम्स का कट ऑफ अगर आप क्रैक करते हो, तो आप मेंस के लिए एलिजिबल हो। और मेंस में आपको क्या देखने को मिलता है, मेंस में आपको देखने को मिलेंगे सात पेपर 1500 नंबर के। सबसे पहले लैंग्वेज का एग्जाम होता है, एक 300 नंबर का लैंग्वेज का पेपर होता है, ठीक है। 3 घंटे हर पेपर की ड्यूरेशन है, ये बात आप ध्यान रखिएगा, हर पेपर जो है वो 3 घंटे का, 3 आवर्स का हर पेपर है। मार्क्स वेरिएशन होगा, लैंग्वेज का पेपर 300 नंबर का होता है, उसके बाद पेपर टू यहाँ पर हिस्ट्री ऑफ इंडिया, नेशनल मूवमेंट, सोसाइटी एंड कल्चर, इसमें पूछा जाता है, 200 नंबर का होगा, 3 घंटे मिलेंगे। उसके बाद पेपर थ्री होता है इंडियन पॉलिटी का, सोशल जस्टिस एंड इंटरनेशनल रिलेशन का, आईआर का, 200 नंबर का ये है, 3 घंटे इसमें मिलेंगे। उसके बाद तीसरा फोर्थ पेपर होता है जियोग्राफी ऑफ इंडिया एंड वर्ल्ड का, यानी कि जियोग्राफी भूगोल को लेकर पेपर होता है, 200 नंबर का ही होता है, 3 घंटे इसमें मिलेंगे। 4 पेपर हो गए, बाकी के 3 पेपर की बात करेंगे। इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट का पेपर होता है, जिसमें 200 नंबर का पेपर होता है, 3 घंटे मिलते हैं। उसके बाद नेक्स्ट पेपर होता है जनरल साइंस एंड टेक का, तो ये भी 200 नंबर का होता है, 3 घंटे इसमें मिलते हैं। उसके बाद जनरल एप्टीट्यूड एंड एथिक्स, तो ये भी 200 नंबर का ही है, 3 घंटे इसमें मिलेंगे। तो आप देख सकते हैं 600 ये हो गया, 600, 200, 800, 802, 1000, 1200 और 3, 1500 आपका पेपर रहता है। बट यहाँ पे आपको एक जानकारी दे दूं कि जो लैंग्वेज वाला पेपर है ये सिर्फ क्वालिफाइंग है, ये क्वालिफाइंग इन नेचर है, आपको सिर्फ इसको क्वालिफाइंग करना है, आपको इसमें कम से कम 35% नंबर लेके आने हैं, ठीक है। और इसके जो मार्क्स हैं ये काउंट नहीं होते, इसके मार्क्स फर्दर काउंट नहीं होते, क्योंकि ये क्वालिफाइंग नेचर में है सिर्फ। तो यानी कि मार्क्स कितने काउंट होंगे, 1200 मार्क्स, कितने टोटल मेंस के, 1200 में से काउंट होता है मेंस, 1200 में से, क्लियर। तो 1200 में जो स्टूडेंट्स अच्छा स्कोर करेंगे, अच्छा नंबर लेके आएंगे, वो फर्दर जाएंगे नेक्स्ट प्रोसेस के लिए, थर्ड प्रोसेस, जो कि है इंटरव्यू या फिर मेंस हम जिसको बोलते हैं। तो पर्सनालिटी टेस्ट या इंटरव्यू की अगर मैं बात, सॉरी पर्सनालिटी टेस्ट या इंटरव्यू मेंस नहीं, तो पर्सनालिटी टेस्ट या इंटरव्यू में यहाँ पर 200 नंबर का रहता है, तो 200 नंबर में से आपको ज्यादा से ज्यादा स्कोर करना है, और 1200 नंबर का आपका क्या था, मेंस। तो टोटल जो आपका फाइनल मेरिट बनता है वो बनता है 1400 मार्क्स में से, 1400 मार्क्स से आपका बन के निकलेगा फाइनल मेरिट। बट ये प्रीवियस डिटेल के हिसाब से, अगर फर्दर इस बार कोई चेंज होता है, फर्दर नोटिफिकेशन आते हैं, क्योंकि 3-4 साल से कोई चेंजेस नहीं हुए हैं, अगर किसी तरह का चेंज होता है तो आई विल श्योरली इन्फॉर्म यू, वी विल श्योरली इन्फॉर्म यू, हमारी तरफ से आपको बिल्कुल जागरूक किया जाएगा। उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है एंड बेल आइकन दबाना नहीं भूलना, ताकि आपको अपडेट्स मिलते रहें। तो उत्तराखंड सिविल सर्विसेज की अगर मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे, एंड मैंने बताया था कि अभिमन्यु आपके लिए लेके आया है कंबाइंड स्टेट सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन कोर्स, कंबाइंड स्टेट सिविल सर्विसेज एग्जाम प्रिपरेशन कोर्स, जिसके चलते हुए आप टोटली प्रिपरेशन कर सकते हैं किसी भी स्टेट के पीसीएस का, चाहे अभी हमने उत्तराखंड की बात की, उत्तराखंड पीसीएस की बात करें, या किसी और स्टेट के पीसीएस की भी बात करें, तो आप हर स्टेट की प्रिपरेशन कर सकते हैं, हर स्टेट की प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो एक कोर्स हमने आपके लिए लॉन्च किया है, जो कि आपको टोटली हेल्प करेगा इन एग्जाम्स को क्रैक करने के लिए। 6 महीने का कोर्स है, इसका कोर्स का ड्यूरेशन रहेगा 6 मंथ्स, ठीक है। 6 मंथ्स के अंदर आपको जीएस, जनरल स्टडीज का, प्रीलिम्स और मेंस का और सी सेट का पूरा जो सिलेबस है वो कंप्लीट कवर करा दिया जाएगा, पूरा का पूरा कंप्लीट कवर आपको करवा दिया जाएगा। तो जो स्टूडेंट्स यहाँ पर आगे बढ़ना चाहते हैं, एनरोल कराना चाहते हैं खुद को, वो एनरोल करवा सकते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। एंड अगर किसी स्टूडेंट को डाउट है तो वो फ्री ट्रायल भी ले सकता है, यहाँ पर ऐसा नहीं है कि आपको पे करके ही क्लासेस देखनी है, यहाँ पर आपको 20 डेज का ट्रायल भी मिल सकता है, फ्री ट्रायल भी आप 20 डेज का ले सकते हैं, यानी कि आप 15-20 दिन क्लासेस देखिए उसके बाद पे कीजिए। तो 20 डेज का फ्री ट्रायल है, मॉडर्न हिस्ट्री का हमारा फ्री ट्रायल कोर्स जो है वो ऑन गोइंग है, उसकी क्लास रोज सुबह होती है, आप जाइए खुद को रजिस्टर कीजिए, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां पर जाके खुद को फ्री रजिस्टर करना है, कुछ भी पे नहीं करना है। एंड डेमो मॉड्यूल कोर्स ऑफ मॉडर्न हिस्ट्री को ज्वाइन कीजिए, आगे बढ़िए अपनी प्रिपरेशन की तरफ, पहला कदम उठाएं, क्योंकि अगर आप फर्दर आने वाले सालों में खुद को ऑफिसर की कुर्सी पर देखना चाहते हैं तो आपको आज ही अपना निर्णय लेना पड़ेगा, आज ही डिसीजन लेना पड़ेगा, क्योंकि आज के हमारे डिसीजन ही हमारे फ्यूचर को प्रोटेक्ट करते हैं,
उसको बचाते हैं। तो ज्वाइन द टॉपर्स लीग ऑफ अभिमन्यु आईएएस, ज्वाइन द बैच ऑफ द मॉड्यूल कोर्स ऑफ द मॉडर्न हिस्ट्री एंड बिकम अ सिविल सर्विसेज एस्पिरेंट, क्योंकि यही आगे जाकर आपको ऑफिसर बनाएगा, आगे जाके आप सक्सेसफुल बन पाएंगे। तो कोर्सेज का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। मोर इन्फॉर्मेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबाना नहीं भूलना है। कोई भी डाउट रहता है कोर्स के रिगार्डिंग, ठीक है, उत्तराखंड पीसीएस के रिगार्डिंग, तो यू कैन राइट इन द कमेंट बॉक्स, कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट क्लासेस के अंदर। नेक्स्ट स्टेट की बात मैं बहुत जल्दी आपके लिए लेके आऊंगा, हर स्टेट की बात हम करेंगे। तो मिलेंगे नेक्स्ट क्लासेस में। इट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच।